यहाँ पर जो सिराजी रहता है इसका दोनों अंडा फूट चुका है। ये देखे, यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई कबूतर अंदर गया होगा, उसके बाद दोनों में लड़ाई हुआ होगा और इस तरह से इनका जो अंडा है वो फूट गया होगा। तो अभी ये खाली है, यहाँ पर जो अंडा था वो फूट चुका है और यहाँ पर अभी मैंने इन सबको दाना दिया है। अभी ये जो मुर्गी का बच्चा है इसे मैंने बाहर नहीं निकाला है, तो इसे भी अभी बाहर निकालना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ, मैंने अपने कबूतर के लिए जो ब्रीडिंग केज बनाया है वो मैं आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये वाला जो केज है मैंने कल बनाया है, कल ये कंप्लीट हुआ है। परसों से मैंने स्टार्ट किया था इसे बनाने के लिए और कल ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसका गेट रखा है और यहाँ पर जो मेरा जो नया वाला पेयर है जो मैंने नया ख़रीदा था उसे मैंने यहाँ पर रखा है। और यहाँ पर आपको बर्तन भी नज़र आएगा, यहाँ पर मैंने बर्तन भी लगाया है इनके ब्रीडिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये ब्रीडिंग केज बनाया है इनके लिए, ब्रीडिंग के लिए। और आपको पता होगा वाइट वाला को भी मैंने इस ब्रीडिंग केज में रखा है ताकि ये अच्छे से ब्रीडिंग कर पाए। और यहाँ पर देखें, ये जो मुखी है इन दोनों को मैंने यहाँ पर पेयर लगाने के लिए रखा हुआ है ताकि इनका पेयर जल्दी से जल्दी लग जाए। और इसका जो अंडा फूटा था उसमें से एक अंडा तो ज़्यादा डैमेज था लेकिन एक अंडा थोड़ा ठीक था, तो उसे मैंने यहाँ पर कलपुटिया के नीचे में शिफ्ट कर दिया है। देखते हैं बाद में इसमें बच्चा बनता है या फिर नहीं बनता है। और मैंने यहाँ पर जो कबूतर को शिफ्ट किया था उस कबूतर को मैंने यहाँ पर से अब हटा करके उसे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। ये वाला मादी है और नर ये वाला है, तो इन दोनों को पहले मैंने यहाँ पर रखा हुआ था लेकिन सिराजी को अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इन दोनों को नीचे में शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर। तो अब से ये वाला जो पेयर है यहाँ पर रहेंगे। और मेरा पास ये वाला जो टेल मार्क है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है ये मेल है या फीमेल है। अगर ये फीमेल निकलता है तो मैं इसका पेयर मेरा ये जो टेल मार्क है इसके साथ लगाने वाला हूँ, अगर वो फीमेल निकलता है तो। और ये वाला जो टेल मार्क पेयर है मेरा, ये फिर से घोंसला बनाने लगे हैं। यहाँ पर देखें, और सिराजी का बच्चा देख ले, अब इसका ग्रोथ थोड़ा बहुत हो चुका है, अब ये दाना अच्छे से खाने लगा है। तो उम्मीद है धीरे धीरे ये खुद से फीड करके और बड़ा भी हो जाएगा। लेकिन इसके फेस में एक दो पॉक्स भी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये मेल होगा, तो देखते हैं ये मेल निकलता है या फीमेल। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।